हेलो दिस इज आंद वेलकम टू अब्राड नॉलेज चैनल टुडे आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट डी एस कैमरा हाउ टू यूज ए डी कैमरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक डी एस एल आर कैमरा कैसे इस्तेमाल करते हैं ठीक है ओके लेट्स गो ये जो है मेरे पास डी एस एल आर कैमरा है अब मैं इसको डेमो बताने वाला हूँ ठीक है ये देखिए जैसे कि मेरे पास है एक कैनन ब्रांड की कैनन ब्रांड की कैमरा और इसका मॉडल नंबर है ई ओ एस सेवन हंड्रेड डी ठीक है अबे देखिए ये इसका फ्रंट पोर्शन है ये फ्रंट पोशन में जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये कैप है ये कैप इसको ये लेंस को प्रोटेक्ट करती है इसको हमेशा क्लोज करके रखना है जब भी आप कैमरा इस्तेमाल नहीं करते जब बैग में रखते हैं या बॉक्स में रखते हैं तब ये ये कैप को हमेशा बंद करके रखना चाहिए इसलिए क्या होता है कि लेंस का ये ग्लास जो है वो उसे प्रोटेक्ट करता है स्क्रैच होने से प्रोटेक्ट होता है ठीक है ये okay, इसको यहाँ रख देते हैं अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेंस जो है इसमें लिखो है कैन जूम ई लेंस कैन जूम लेंस ई एफ एस एटीन टू फिफ्टी फाइव ये जो है ये जूम लेंस इसीलिए लिए जूम लेंस जैसे कि आप फोटो कैप्चर करते हैं उसको जूम बदलाने के लिए जैसे कि ये देखिए जूम इन जूम आउट ठीक है जूम इन जूम ये जो है 18 टू 55 जो है उसका मिलीमीटर डिस्टेंस है इतना मिलीमीटर तक आप जूम कर सकते हैं जैसे कि आप कोई चीज़ पकड़ते हो तो आपको इसको घुमा के ऐसे ऐसे घुमा के जूम इन जूम आउट जूम चेंज करना पड़ता है ऐसे करके आप जो कैप्चर करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी पिक्चर की क्लैरिटी ठीक है जैसे आप देखिए ये 18 टू फिफ्टी फाइव तक इसका फोकस करती है जूम अब जब अब ये, ये ये लेंस जो है ये इसके साथ एक कैमरा के साथ ही आता है जैसा फ्री आता अब इसको अगर रिमूव करना है तो ये जो आप स्क्वायर शेप मार्क दिखता है वाइट कलर उस तरफ यहाँ के जो बटन अब देख रहे हैं बटन ये बटन को ऐसा पुश करके पुश करके ऐसा क्लाक वाइज और एंटी सॉरी एंटी क्लाक वाइज घुमा के ऐसा रिमूव कर सकते हैं ठीक है अभी रिमूव अब फिर इसको फिक्स करना है तो अब ये जो स्क्वायर शेप मार्क्स जिसका है वैसे यहाँ भी है स्क्वायर शेप मार्क्स देख रहे हैं आप देखिए वो वो जो स्क्वायर शेप मार्क्स के बराबर बराबर ऐसे रख के ऐसा रख के क्लाक वाइज घुमाना क्लाक वाइज घुमाए फिक्स हो जाता है ठीक है ये ईजी है ये लेंस एक्सचेंज करना बदलाना तो बहुत आसान है ये बटन प्रेस करें और इसे तरह घुमाए, घुमाएँ ईजीली रिमूव ठीक है अब ये आप देखा है इसका फ्रंट पोर्शन फ्रंट पोशन में क्या क्या है लेंस जूम इन जूम आउट ये कितना जूम एटीन टू फिफ्टी फाइव मिली जूम है जैसा कि आप जूम जो चेंज कर चेंज कर सकते हैं और ये जो है ये ये जूम ये इसको रोटेट करने से ज़ूम चेंज होता है अब जब आप जूम करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर क्लियरटी नज़र नहीं आता तो आप क्या करना है इमेज क्लियरटी दिखने के लिए ये ये घुमाना है ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये ये रोटेट करने से रोटेट करते क्लियरटी एडजस्ट होता है जिससे क्या होता है इमेज का क्लियरिटी हमको पता चलता है हम इसे से कैप्चर कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका बैक पोजिशन इस ये जो है इसका बैक पोजिशन जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है एक डिस्प्ले है ठीक है ये ओपन करके ये डिस्प्ले डिस्प्ले जो है एक फोल्डेबल डिस्प्ले है जैसा कि आप रोटेट करके ऐसे करके रोटेट करके ऐसा अटैच कर सकते हैं ठीक है ऐसा तो क्या होता है ये आपको डिस्प्ले ये नज़र आता है आपको फोटो कैसे कैप्चर करना ये डिस्प्ले में नजर आता है जैसे आप देखेंगे ये ऑन ये ऑन हो ऑन हो गया ये डिस्प्ले इसको मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में सो आप इधर आइए ये, ये साइड में आप देख रहे हैं ये जो बटन्स है ये सब आपके सेटिंग्स है सेटिंग्स ओके ये भी आप बाद में देखेंगे और यहाँ देखिए मीनू बटन है मीनू बटन और इन्फॉर्मेशन कैमरा के पिक्चर्स के इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे ओके यहाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ओके ये जो है ये इसका बैक पोजीशन है और अब देखते हैं इसका टॉप पोजीशन ये टॉप पोजीशन ये टॉप पोजीशन में जो है आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये जो, है, ये जो सर्कल है रोटेटर ये जो बटन है राउंड बटन इस पे यहाँ देखे आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन है ये ऑफ है ये ऑन है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ठीक है अभी वीडियो रिकॉर्डिंग अब आपको ऑन करना है तो ये ऑन ये ये पॉइंट ऑन पे लाएंगे, ओके तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा ठीक है वैसे कि आप ऑफ करना है तो ऑफ़ करके ऑफ़ तो हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है ये पॉइंट जो है या ऊपर तक ये तरफ तक लाए लाए तो आपको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं कौन सा बटन है इसका वो भी बाद में बताता हूँ ठीक है पहला बेसिक देख लीजिए ये जो है ये और जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये जो है ये क्लिक क्लिकिंग बटन इस ये बटन करने से ये बटन प्रेस करने से फ़ोटो कैप्चर होता है देखिए ये ये बटन प्रेस करने से फोटो कैप्चर होता है जैसे कि आप, आप साउंड सुन रहे हैं ना ये देखिए क्लिक करने से कैप्चर हो गया बटन ठीक है और इसमें जो आप देख रहे हैं आ, ये जो है ये स्टील जो होल्डर है ये माइक जो माइक जो है वो बताता हूँ बाद में वो माइक वो माइक होल्डर है इसको माइक अटैच कर सकते हैं और इसका बैटरी जो है जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं ये सब ये देखिए बैटरी इसको ऐसे प्रेस करके ऐसे ओपन होता है ऐसे बोलिए ये जो है या जैसे कि आप देख रहे हैं बैटरी ये बैटरी है बैटरी को रिमूव करने के लिए ऐसे प्रेस करना प्रेस करने से बैटरी आ जाती है बैटरी रिमूव होता है ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये है डी एस एल आर की बैटरी इसका जो है ये जो है थाउजेंड वन ट्वेंटी एम ए एच जैसे कि सेवन पॉइंट टू वोल्ट का बैटरी है आप अगर बैटरी एक्सचेंज करना है तो इसी वोल्टेज का बैटरी यूज़ करना है इससे ज़्यादा और कम यूज़ नहीं करना है। ठीक है इसको बैक बैटरी अब डालना है तो ऐसे वापस डाल देंगे ठीक है ऐसे प्रेस करें बैटरी फिक्स हो जाएगा ठीक है ओके अब अगर ये जो है ये मेमोरी कार्ड एसडी डी कार्ड है एसडी डी कार्ड ऐसे प्रेस करके एच डी कार्ड जिसमें आप फोटोज स्टोर कर सकते हैं ठीक है अब आप देखेंगे इसके और और चेंट पार्ट्स देखेंगे ये जो है ये दूसरा लेंस है इसको हम इंडोर सॉरी आउटडोर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी सेम वैसा ही है सेम है जैसे जिस, रोटेट क्लिक रोटेट करके जूम चेंज कर सकते हैं जूम इन जूम आउट और ये लेंस क्लैरिटी के लिए यूज़ करते हैं और इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब ये कैप डाल के रखना हमेशा हमेशा ये कैप क्लोज करके रखना चाहिए ठीक है ओके और ये देखिए ये ये जो है ये जो है, है माइक है ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है जब आप वीडियो शूटिंग करते हैं तो ये कैमरा पे यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे अटैच करके इसे अगर आप एक कैमरा से वीडियो शूट करते हैं तो इस पर वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा और इजी इजी टू यूज़ अच्छा इसमें वायर कनेक्ट करना है ठीक है और ये जो है जब आप कैमरा फ़ोटो पकड़ते हैं तो आपके सामने एक फ्लैश लाइट होता है ज़्यादा जैसे कि ट्यूब लाइट हो वो ज़्यादा ब्राइटनेस होता है वो लाइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपको ये ऐसा डालना है ये हमेशा ऐसा डाल के रखना है ये डालने से क्या होता है वो लाइट कवर हो जाता है और इसे ब्राइटनेस अच्छा जाती है ठीक है ओके ओके थैंक यू फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो पे तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए थैंक यू Have a nice day.